हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास सिक्स एंड द चैप्टर इज वेयर इन द वर्ल्ड वी आर एंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इस टॉपिक में हम आज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। द बेस्ट नोन लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज़ द इक्वेटर एट 0 डिग्री। जो सबसे मोस्ट पॉपुलर लैटिट्यूड है, जो कि रेफरेंस लाइन भी है, वो है इक्वेटर। और इक्वेटर की डिग्री कितनी है? 0 डिग्री। द इक्वेटर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर मीजर्ड फ्राम द इक्वेट द अदर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर मीजर्ड फ्राम द इक्वेटर इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। जो लैटिट्यूड्स हैं, दूसरे लैटिट्यूड्स हैं 0 डिग्री को छोड़कर, वो या तो नॉर्थ में है 0 डिग्री से, या फिर साउथ में है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। और जो भी लैटिट्यूड्स हैं 0 डिग्री से नॉर्थ में या साउथ में, वो सभी के सभी 1 डिग्री के इंटरवल पर हैं। जैसे कि 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो इस तरह से करके जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, वो सभी 1 डिग्री के इंटरवल पर हैं। ऑल दिस लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड फॉर्म अ सीरीज ऑफ हूप्स अराउंड द ग्लोब। और जो भी लैटिट्यूड्स हैं, वो सभी ग्लोब के चारों तरफ एक सर्कल बनाते हैं। जैसे कि 1 डिग्री का लैटिट्यूड है, तो वो पूरे ही अर्थ पर 1 डिग्री का सर्कल बनाता है। 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, तो वो 0 डिग्री का सर्कल बनाता है। तो इस तरह से जो भी लैटिट्यूड्स हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, वो सभी के सभी अर्थ ग्लोब पर एक हुक बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। जो जैसे आप कह सकते हैं कि एक गोलाकार बनाते हैं क्षेत्र। आगे देखते हैं। नॉर्थ पोल देयर फोर इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इस तरह से 90 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल है। दस अ टोटल ऑफ 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इंक्लूडिंग द इक्वेटर आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब अर्थ। तो इस तरह से 0 डिग्री के नॉर्थ में 90 डिग्री, यानी कि ये मान लिया कि ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के नॉर्थ में 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये 90 हो गए, और फिर 0 डिग्री के साउथ में 1 डिग्री से लेकर इधर 90 तक ये 90 हो गए, और फिर उसके बाद ये इक्वेटर को हम ले लेते हैं। तो इस तरह से करके 181 डिग्री हो जाते हैं लैटिट्यूड्स के। यानी कि लैटिट्यूड्स कितने पाए जाते हैं? 181 लाइंस लैटिट्यूड्स के हैं। 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री साउथ में, और एक इक्वेटर को हम काउंट करते हैं। तो इस तरह से काउंट करने पर 181 लाइंस होते हैं लैटिट्यूड्स के। कितने लैटिट्यूड्स हो जाती हैं? 181। सिंस द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज द एंगुलर डिस्टेंस। जो लैटिट्यूड्स है, वो किसी भी क्षेत्र की, अगर हमको किसी भी क्षेत्र का लैटिट्यूड पता है, तो वो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? किसी भी क्षेत्र की कोणीय दूरी होते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज फॉलोड बाई द लेटर एन। और ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं, वो डिग्री में शो किए जाते हैं, डिग्री में लिखे जाते हैं, और उसके साथ ही साथ हम एन और एस भी लिखते हैं। जो एन है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को डिनोट करता है, कि अगर किसी भी प्लेस के लैटिट्यूड के साथ एन लिखा है, तो एन का मतलब कि ये जो प्लेस है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और अगर किसी के साथ एस लिखा हुआ है, तो ये वो प्लेस सदर्न हेमिस्फीयर का होगा। तो जो टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं, जिसमें कि 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ में ये 90 हो जाते हैं, और साउथ में 0 डिग्री के 1 से लेकर 90 90 90 180 हो गया, और उसके बाद इक्वेटर को हम काउंट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। यानी कि 181 टोटल लाइंस हो गए लैटिट्यूड्स के। और लैटिट्यूड्स के साथ अगर एन लिखा हुआ है, तो वो प्लेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को होगा, और अगर किसी भी लैटिट्यूड्स के साथ एस लिखा हुआ है, तो वो एस डिनोट करेगा कि वो प्लेस सदर्न हेमिस्फीयर में है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर रिफर्ड टू एज पैरेलल एज दे इनसर्किल द अर्थ पैरेलल टू वन अनदर। जो भी लैटिट्यूड्स होते हैं, उन्हें हम पैरेलल्स कहते हैं। पैरेलल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के हमेशा पैरेलल में होते हैं, हमेशा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। सम ऑफ दीज पैरेलल्स फॉर्म बाउंड्रीज बिटवीन टू कंट्रीज और टू स्टेट्स। और कभी कभी क्या होते हैं, ये लैटिट्यूड्स किसी किसी कंट्रीज की बाउंड्री भी बनाते हैं।
कोई भी लैटिट्यूड कभी भी दूसरे लैटिट्यूड को क्रॉस नहीं करता है, ये हमेशा पैरेलल्स पे होते हैं, एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पे होते हैं और ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते या क्रॉस नहीं करते। और कभी कभी ऐसे पैरेलल्स से किसी भी कंट्रीज की बाउंड्रीज भी बन जाती हैं या स्टेट्स की बाउंड्रीज भी बनती हैं। यहाँ पर देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट इज ऑल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो भी जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं, जितने भी लाइंस होते हैं लैटिट्यूड्स की, वो सभी के सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। एंड देयर फोर दे डू नॉट मीट वन अनदर एट एनी पॉइंट। और इस तरह से पैरेलल होने की वजह से वो एक दूसरे से, यानी कि एक लैटिट्यूड दूसरे लैटिट्यूड से कभी ना तो टच होता है ना ही कभी क्रॉस करता है। सेकेंड पॉइंट इज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर हुप्स और सर्कल्स विच कीप डिक्रीजिंग इन साइज टूवर्ड्स द पोल्स। जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो पोल्स की तरफ घटता जाता है इक्वेटर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेटर पर जो लैटिट्यूड का जो लेंथ है वो ज़्यादा है, और धीरे धीरे जैसे ही हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं लैटिट्यूड्स का जो साइज है, जो उनकी लेंथ है, वो कम होती जाती है। इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो जो लैटिट्यूड्स हैं उनका साइज, उनकी लेंथ कम होती जाती है, यानी कि डिक्रीज होते जाते हैं ये पोल्स की तरफ। द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स आर ओनली पॉइंट्स। जो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, जैसे कि आप साउथ, ये नॉर्थ देख रहे हैं और ये साउथ देख रहे हैं, तो ये सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ ये बिंदु मात्र होते हैं, ये सर्कल नहीं होते। जैसे कि आप ये सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल देख रहे हैं, तो बाकी तो जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सर्कल फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो नॉर्थ और साउथ होते हैं वो सिर्फ पॉइंट मात्र होते हैं, ये सिर्फ पॉइंट पर होते हैं और ये सर्कल में नहीं पाए जाते हैं। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर ओनली पॉइंट्स। जो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं वो सिर्फ पॉइंट्स हैं एंड नॉट सर्कल्स, ये सर्कल्स नहीं होते। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। और सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है, क्योंकि ये बिल्कुल मिडल में है और इक्वेटर पर ही अर्थ का जो डायमीटर है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से जो इक्वेटर है ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड भी कही जाती है, और जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो लैटिट्यूड्स का जो साइज है वो छोटा होता जाता है, वो घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री। जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो 1 डिग्री के इंटरवल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर दिखाए जाते हैं। जैसे 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड, 4 डिग्री लैटिट्यूड, 5 डिग्री लैटिट्यूड, इस तरह से लैटिट्यूड्स दिखाए जाते हैं 1 डिग्री के इंटरवल पर। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स इज अबाउट 111 किलोमीटर्स, 111 किलोमीटर्स। दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 111 किलोमीटर्स। आप 1 डिग्री या 2 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो 111 किलोमीटर आएगा, और ये जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं उन सभी के बीच का डिस्टेंस होता है। यानी कि आप अगर आप 81 डिग्री और 82 डिग्री के बीच लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो भी 111 किलोमीटर होगा। तो दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर्स। देर आर 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, 181, 90 ईच टू द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में 90 तक और इक्वेटर के साउथ में 90 तक, यानी कि 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक 90, 1 डिग्री से लेकर 90 तक साउथ में 90, और इक्वेटर को हम इन सभी को काउंट करेंगे तो 181 लाइन्स आती हैं लैटिट्यूड्स के। तो इस तरह से कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में। देर आर 5 मेजर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। टोटल 5 मेजर लैटिट्यूड्स होते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, विच आर यूज्ड एज रेफरेंस लाइंस एज दे हेल्प टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से हम ग्लोब पर किसी भी प्लेस को इजीली लोकेट कर पाते हैं। पर बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि
कि हमें इन पांचों ही लैटिट्यूड्स के लोकेशन अच्छे से पता हो, ये कहाँ पर हैं ये हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दे आर द और वो कौन कौन से फाइव लैटिट्यूड्स है इक्वेटर 0 डिग्री। सबसे पहला जो लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर। फाइव मेजर बताए हैं, उनमें से पहला कौन सा है, ये इक्वेटर। देन यहाँ पर दिखाया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर ये 20 और ये यहाँ पर जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये आप इधर देख लीजिए, 0 डिग्री दिया है आपको इक्वेटर, 23.5 डिग्री एन एन लिखा है तो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस तरह से 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कही जाती है। उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री एस लिखा है इसके साथ, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा 23.5 डिग्री साउथ। तो ये कौन सी लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन आता है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल ये आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और इसकी डिग्री कितनी है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। फिर आता है कौन सा लास्ट कौन सा लैटिट्यूड है इम्पोर्टेंट, एंड द अंटार्कटिक सर्कल। ये अंटार्कटिक सर्कल है और इसकी डिग्री 66.5 डिग्री साउथ। तो इस तरह से ये फाइव मेजर लैटिट्यूड्स हैं जिनमें से एक है इक्वेटर और दो आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और दो आते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, जिनकी डिग्रीज इक्वल है, सिर्फ उनके साथ एन और एस डिनोट करना पड़ता है उनकी लोकेशन के लिए। पहला कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, इक्वेटर जिसकी डिग्री क्या है, 0 डिग्री। देन सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। देन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल जिसकी डिग्री होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो ये फाइव मेजर लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर होगा तो हम किसी भी प्लेस के लोकेशन को इजीली डिनोट कर पाएंगे, इजीली बता पाएंगे। द इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0 डिग्री। जैसा कि पता है हम सभी को कि इक्वेटर कितने डिग्री पर होता है, 0 डिग्री। इट मेक्स अ 0 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है क्योंकि बिल्कुल फ्लैट होता है, इस वजह से। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड एज इट डिवाइड्स द अर्थ इन टू द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, कौन कौन से पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स आर इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स। और जो नॉर्थ पोल हैं और जो साउथ पोल हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट और आइस इंसुलेशन। जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वो अर्थ के एक्सिस के झुके होने की वजह से, 23.5 डिग्री टिल्ट होने की वजह से जो सनलाइट मिलता है वो हर प्लेस पर अलग अलग अमाउंट में मिलता है। अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशंस एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, अलग अलग लैटिट्यूड्स की वजह से उनके जो लोकेशन में डिफरेंस आता है उसकी वजह से उनके जो इंसुलेशन में या सनलाइट उनको जो जितना जो मिलता है उसमें भी डिफरेंस आता है। ऑल दिज इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हेल्प अस डिवाइड द अर्थ सर्फेस इंटू थ्री मेजर टेम्परेचर और हीट जोन्स। तो इस वजह से जो उनको सनलाइट मिलती है, जो इंसुलेशन मिलता है, उसके बेस पर जो अर्थ है, जो ग्लोब है, उसे हम थ्री मेजर इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर या हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पर, उनको मिलने वाले इंसुलेशन के रेट पर। डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इंसुलेशन ऑन दीज हीट जोन्स कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट इन दीज रीजन्स। और उनको अलग अलग तरह का अलग अलग अमाउंट में इंसुलेशन मिलता है जिसकी वजह से ये अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स क्रिएट करते हैं उन एरियाज में। तो इस तरह से अर्थ को मिलने वाले इंसुलेशन के रेट पर हम अर्थ को तीन हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं, या थ्री इम्पोर्टेंट मेजर थ्री इम्पोर्टेंट टेम्परेचर जोन्स में डिवाइड करते हैं अर्थ को मिलने वाले हीट जोन हीट की वजह से।
और यहाँ पर अलग अलग हीट होने की वजह से, अलग अलग सनलाइट का अमाउंट मिलने की वजह से, अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होने की वजह से ही बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती है वेजिटेशन में, लैंड्स में, जो सॉइल होती है उसमें, रेनफॉल में, टेम्परेचर में। तो इस तरह से हम इन क्लाइमेटिक जोन्स को पढ़ेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।